सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका, मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि केदार घाटी के एक छोटे से गांव रैल गांव से। स्वागत है आपका मोनिका केदार घाटी ब्लॉक में। और केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से सुबह के लगभग 8:30 हो रही है और अभी मेरी तैयारी हो गई है जंगल जाने की। ब्रेकफास्ट वगैरह भी हो गया है और मेरी मम्मी आ रही है दूसरे वाले रास्ते से और मैं आ रही हूँ गौशाला वाले रास्ते से, क्योंकि गौशाले से मैंने ना रस्सी लानी थी, मतलब मुझे रस्सी लानी थी गौशाला से। बाकी थमारी वगैरह मम्मी लेके आएगी। और अभी मेरी मम्मी मेरे से आगे चली गई है और यहाँ पर रख रखा है गोबर, जिसको हमारे पहाड़ों में लदु बोला जाता है। ये देखिए, ऐसे इकट्ठा करके रखा जाता है और ये ना गोबर दूर दूर तक जाता है, मतलब दूर के खेतों तक जाता है ये गोबर, तो इसलिए यहाँ पर इकट्ठा करके रखा हुआ है। तो अभी हम अपने घर से काफ़ी ऊपर आ गए हैं, लगभग 1-2 किलोमीटर दूर आ गए होंगे। बाकी यहाँ है गेहूं और जौ की और सरसों की खेती है, लेकिन ज़्यादातर मुझे यहाँ ना जौ और गेहूं की खेती दिखाई दे रही है। और ठीक यहाँ नीचे हैं ढेर सारे माल्टे के पेड़। और हमारे गांव में ना पानी की टंकी बन रही थी, तो ये देखिए पानी की टंकी भी बनके तैयार हो गई है, एकदम फर्स्ट क्लास से काफ़ी बड़ी टंकी बन रखी है और इस पर देखिए पेंट वगैरह भी हो गया है। हमारे गांव में एक टंकी यहाँ की साइड है और एक टंकी यहाँ ऊपर की साइड है और वो भी इतनी बड़ी होगी। और इसमें देखिए अभी पानी नहीं है ना मम्मी, अभी इसमें पानी नहीं है ना, पानी बन रही है। हाँ वही तो, अभी पाइप वगैरह लग रहे हैं, फिर यहाँ पे भी कुछ काम वगैरह है, तो यहाँ पे गांव के लगे हुए हैं, अभी तो नहीं आए काम वाले, लेकिन अब आ रहे होंगे। फिलहाल देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे पाइप वगैरह लग रहे हैं। अभी हम पहुँच गए हैं काफ़ी पुरानी टंकी में। तो ये रही टंकी, तो परसों ही ना गाँव के शायद दादा लोगों ने टंकी की सफाई की, तो इतना काला वो हुआ, मतलब मिट्टी निकली है, देखिए यहाँ नीचे डाल रखी है मिट्टी। तो टंकी की साफ़ सफाई वगैरह भी की है। और ना कुछ दिनों पहले यहाँ ढेर सारे पत्थर दिखाई दे रहे थे, छोटे बड़े, तो बड़े पत्थर ऐसे ही हैं, जो छोटे पत्थर थे ना तो उनकी ऐसे दीवार लगाई गई है, कुछ यहाँ नीचे की साइड लगाई है और कुछ देखिए उधर की साइड लगाई हुई है। बाकी गाँव के ताऊ जी ना उधर देखिए रूढ़ी कूट रहे हैं, मतलब कंक्रीट वगैरह कूट रहे हैं। और यहाँ से सामने दिखाई दे रही है भाभी लोगों की गौशाला और ढेर सारे संतरों के पेड़। और जो ये टंकी है ना, तो ये काफी गंदी हो रखी थी, तो साफ सफाई भी हो गई है और इतनी सारी मिट्टी निकली टंकी के अंदर से और पानी इसमें ना थोड़ा भी नहीं है। और बरसात के टाइम ना यहाँ से बाहर आता है पानी और फुल भरी रहती है टंकी। और जो ये गदेरा है ना, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा आया हुआ रहता है उस टाइम बरसात के टाइम, तो इसको पार करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन लोग ऐसे ही जाते हैं घास के लिए। तो चलिए जी, हमारे गांव में नई टंकी भी बन गई है और काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। वैसे तो हमारे गांव में ना पानी उतना नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है, तो फिलहाल नई टंकी बन जाएगी तो पानी भी आ जाएगा फुल। हमारे गाँव में ना नई पाइपलाइन बिछ रही है, जिससे ना पानी घर घर तक पहुंचे, क्योंकि बरसात के टाइम ना जब हमारे यहाँ बादल फटा था तो पूरी पाइपलाइनें टूट गई थी, तो इसलिए नई पाइपलाइनें बिछाई जा रही हैं। तो चलिए जी, अभी हम ना काफ़ी दूर आ गए हैं और ना मुझे यहाँ काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि बहुत पहले ना हम इधर की साइड ही आए थे घास के लिए और ना जैसे कुत्ता भौंकता है ना वैसे ही भौंकता है भालू भी, और वो उधर से ऐसे दौड़ा, हम तो इतना डरे हम भी वहाँ से भागे। और बोलते हैं ना कि चढ़ाई पे ज़्यादा भागता है भालू, और जो मतलब नीचे की साइड जो रास्ता रहता है उधर की साइड नहीं भागता है, मतलब भाग नहीं पाता है, क्योंकि उसके जो बाल रहते हैं ना वो आँख तक आ जाते हैं। और यहाँ ना मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। और अभी तो ना हिरन भी वो कर रहा था, हिरन भी आवाज़ निकाल रहा था और मैंने मम्मी को बोला कि यहाँ से चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ इतना घना जंगल है और यहाँ तो भालू का ज़्यादा ही खौफ रहता है, क्या ही बोलें, मेरे को तो ज़्यादातर भालू से ही लगता है डर, अगर कभी भालू से मुलाकात हो गई ना
तो बोलेंगे क्या। ये देखिए मेरी मम्मी तो ऊपर जा रही है, और मेरी मम्मी को तो डर नहीं लगता है, लेकिन मेरे को काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। और यहाँ पे है एक पत्थर, तो इस पे ना दरांती की धार को तेज़ किया जाता है। और यहाँ पे है बुरांस का पेड़, तो इस पे देखिए बुरांस भी फूलने लग गए हैं। ये देखिए दोस्तों ना, बुरांस के पेड़ पर ना बुरांस भी फूलने लग गए हैं। बाकी यहाँ से ऊपर जाने का जो रास्ता है वो खड़ी चढ़ाई वाला है, तो अब चलते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरा हरा महादेव, कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो आज हम बगबाधार आ रखे हैं। यहाँ देव देवताओं को इतने सारे पत्थर के मलवा बना रखे हैं, और यहीं से बगवाल जंगल की ओर गए हैं जो परियों के साथ रहते हैं। तो बगबाल भी लोग अभी गांव गांव में नचाते हैं, परियों के साथ नाचते हैं वो बगबाल भी। तो यही रास्ता है, तो यहाँ बगवाल धार बोला जाता है। बहुत नीचे से है ये, ऊपर तक यही धार है, बगवाल धार और परी की धार। और बहुत पुराना से आजकल बहुत भूल गए हैं, कलयुग आ गया और हिमालय भाई इस साल बर्फ भी नहीं है, और बहुत वो हो गया है, ठंडा हो गया है केदार घाटी में, और चारों तरफ धुआं धुआं है। इतनी जबरदस्त आग लग गई है केदार घाटी के जंगलों में, और ऊपर केदार घाटी के जितने भी यहाँ तक जंगल है पूरे जल गए हैं। और मैंने मम्मी को डरा दिया। और ये इतनी डरा दिया जंगल आके, जंगल आ तो हम ऊपर आ रखे हैं थोड़ा सा गाँव के ऊपर, तो कभी नहीं आए, तो ये डरा रहे मेरे को भी। मेरे को तो डर लगती भी नहीं, डर मैं सिर्फ भालू देख के डरती हूँ और किसी देख के नहीं डरती, क्योंकि भालू चेहरा से बेचेरा कर लेता ना, तब डरती हूँ थोड़ा सा, न तो मैं किसी से नहीं डरती हूँ। वो ऊपर वाला है साथ में, और वो भी वही देना वाला है, वही ले जाने वाला है, वही रखने वाला है, सब कुछ वही है, और मैं तो उसी पर विश्वास करती हूँ और चलती हूँ। और न तो ऐसे घाट पर रहते हैं हम, तो तब डरना भी क्या है, वो हमारा सारा है सब कुछ का नाम लेके चलते हैं। और मैं लकड़ी के लिए आ रही हूँ, और मोनिका को बोल रही हूँ तो थोड़ा बांध चाट, और मैं लकड़ी ले जाऊँगी, और लकड़ी भी नहीं है हमारे यहाँ, तो आज का ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है, और लकड़ी की बहुत ज़रूरत है, गैस की ज़रूरत ही नहीं है इतनी, क्योंकि बहुत ठंडा हो रहा है इस साल, तो लकड़ी जलानी पड़ती है शाम सुबह। अब वही पहाड़ी लोग तो खाना ही चूल्हे में बनाते हैं, लकड़ी वाले चूल्हे में। तो इधर की साइड है बांझ की लकड़ियाँ, सूखी लकड़ियाँ, और मुझे काटना है बांझ। तो मुझे अभी ना बांझ का पेड़ भी मिल गया है, तो यहाँ ऊपर की साइड है आड़ी बांझ जो किसी ने नहीं काटा है एक दो साल से, तो मैं ये वाला बांझ का पेड़ काटूंगी, ये देखिए। तो चलिए जी, बांझ के पेड़ से बांझ काट लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। और मम्मी तो वहाँ लकड़ियाँ वो कर रही है, काट रही है, और कैमरा पकड़ने वाला अभी कोई नहीं है, तो फिलहाल बांझ के पेड़ से बांझ काट लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। मैंने बांझ भी काट दिया है, अब बांझ को ना इकट्ठा करेंगे यहाँ पे। तो चलिए जी, तो यहाँ ऊपर की साइड गिर रखा है बांझ, और यहाँ पे ना काफी ना झाड़ियाँ हैं, वो भी हिसू की। तो देखिए कुछ, तो इस तरह से काटेंगे बांझ को। बांझ इकट्ठा करके मैंने यहाँ पे भारी भी लगा दी है, तो बांझ की भारी को उठाते हैं, अब चलते हैं घर। तो चलिए जी, भारी भी उठा दी है, ज्यादा भारी नहीं हो रहा है, तीन ही गडुली काटी है। तो बांझ की भारी हो गया, लकड़ियों की भारी तो हमने बिछा दी है। और आज ना मम्मी ने जो थमाली लार की थी ना, तो वो भी टूट गई है मम्मी के पास। जो थमाली आई गुप्त काशी से 150 की, आज वो भी टूट, इतनी कच्चे हाथ आ रहे हैं ना,
क्या बोले, जंगल में आई मैं, आफत आ गई, तो मैंने हाथों से तोड़ी लकड़ी। आधा घंटा तो मम्मी को डराने में लगा। तो ये जंगल आती नहीं कभी कभी यहाँ तक रास्ते, वो भी जाल वालों का रास्ता है, इतना लोग आते जाते रहते, ये रास्ते में भी डराती है। और ऐसी आवाज आई थी अपने, और लोग पत्तों के लिए आ रखे थे जंगल में, लोग पत्तों की आवाज इतनी तेज आती ना, और ये इसने बोला नहीं कोई जंगली जानवर भी था, हिरन नहीं था, उधर रास्ते में थे, वो जाल के रास्ते में लोग पत्ते इकट्ठे कर रहे थे, और हिरन तो यहाँ नीचे था। इतनी बड़ा रास्ता है, 4 फुटी रोड है यहाँ, और यहाँ से जाल चौंसी यहाँ का, यहाँ से पैदल रास्ता है, यहाँ से सारे लोग घोड़े खच्चर यहीं से पैदल यात्रा करते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं ना जंगल से घर भी आ गई हूँ, और मम्मी तो लकड़ियों की भारी लेके ऊपर चले गई है, और जो बांध था ना वो मैंने यहाँ ऊपर रख दिया है। तो अब चलते हैं घर, और आजकल मेरा भाई लगा हुआ है बोर्ड की तैयारी करने पे, और यहाँ पे रखे हुए हैं कुछ बोर्ड के पुराने पेपर 2020-21 के, ये देखिए, तो कुछ इनको देख रहा है, बाकी यहाँ मास्टर माइंड से पढ़ रहा है। सुबह से लगा हुआ है भाई आजकल तैयारी करने पे। और मम्मी जो सूखी लकड़ियाँ लेके आई है ना, तो मम्मी ने यहाँ पर रख दी हैं, तो यहाँ पर लकड़ियाँ और छेंती वगैरह ही हैं, और छत में ना हमने कुछ कच्ची वो रख रखी थी लकड़ियाँ, तो मम्मी ने यहाँ पर एक साइड पे देखिए अच्छे तरीके से रख दी हैं व्यवस्थित ढंग से। ये मम्मी ने गर्मा गर्म लंच भी बना के रेडी कर दिया है, लंच में है ढेपली हो गया, और साथ में है भात, और सलाद में है मूली हो गया, और प्याज और माल्टा भी है साथ में। तो चलिए जी अब गर्मा गर्म लंच कर लेते हैं। और लंच करने के बाद मैंने पानी गर्म किया और हाथ मुँह धोया, क्योंकि वहाँ मीठी मीठी उड़ रही थी। तो 1 बजे पहुँची घर पर, तो तब लंच बनाया, लंच किया, और गाय भैंस को भी अंदर बांध दिया है, ठंडा भी हो रहा है। और आज की वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।